हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल दिस इज़ प्रिया भार्गव अभी यहाँ मॉर्निंग के सेवन फाइव ए एम हो रहे हैं यस्टरडे आई वॉजन वेल सो आई कुडेंट मेक एनी वीडियो एंड बहुत ज़्यादा ही ठीक फील नहीं कर रही थी सो आज सुबह मुझे आज सुबह नौ बजे लॉन्च होने दस बजे लॉन्च होने वाले वीडियो को आज मुझे रिकॉर्ड करना हो रहा है तो सेवन फाइव ए एम पे हम आज पढ़ने वाले हैं डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन इज़ फ्रॉम यूनिट थ्री यूनिट थ्री इज़ फ्रॉम ब्लॉक थ्री एम पी सी ज़ीरो जीरो फोर दैट इज़ एम ए पी सी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स दिस वीडियो इज़ फॉर यू अभी मुझे कुछ दिनों पहले किसी स्टूडेंट ने कमेंट डाल के बताया कि आज अब से इग्नों ने एक ही बुक में पूरे सिक्सटीन चैप्टर्स डाल दिए हैं पहले की तरह फोर बुक्स नहीं रहेंगी so, एक ही बुक में सारे होंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस ये इलेवेंथ चैप्टर होगा Uh, जो जिसका आधा पार्ट मैं ऑलरेडी प्री जुडिस में कर चुकी हूँ और आज हम डिस्क्रिमिनेशन के बारे में करेंगे आपको मेरी रिक्वेस्ट पता है एंड दैट इज़ सो बोरिंग टू रिपीट एवरी टाइम सो आपको पता है क्या करना है आपको सब्सक्राइब करना है शेयर करना है लाइक एंड कमेंट भी करना है और बाकी का आप जानते हैं बार बार हर चीज़ मांग कर लेना अच्छा नहीं अच्छी बात नहीं होती सो लेट स्टार्ट विद डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन अगेन आप देख रहे हैं इसमें पिंक हाईलाइट है इसका मतलब ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सो so, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जब हम डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं किसी इंडिविजुअल को वो इंडिविजुअल कौन है वो इंडिविजुअल वो है जो किसी रिलीजन कम्युनिटी या ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है या रिलेटेड होता है जिसको आप पसंद नहीं करते तो आप उससे हटके बिहेव करते हैं ओवरड बिहेवियर शो करते हैं इस तरह के एक्सप्रेशन देते हैं जो प्रिजुडिस से रिलेटेड होता है यानी मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव जब आप एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को हट के ट्रीट करते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन माना जाता है जिस पर्सन को के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है उसको बहुत सारे हक या प्रिवलेज नहीं मिलते या मना कर दिया जाता है देने से क्योंकि वो उस पर्टिकुलर सोसाइटी से बिलोंग करता है आ, और कौन लोग करते हैं ऐसा वो लोग करते हैं जो मेजॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं और किसके साथ करते हैं जो माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करता है मतलब जो ज़्यादा मेजॉरिटी ग्रुप का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं और माइनॉरिटी ग्रुप जिसमें काउंट उनका कम होता है उसको माइनॉरिटी ग्रुप कहते हैं सो माइनॉरिटी ग्रुप के बंदे के साथ अगर गलत आप बिहेव करते हैं या उसको कुछ ऐसे हक मना करते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन माना जाता है जैसे कि पुराने टाइम पे कास्ट सिस्टम के बेसिस पे ऐसा किया जाता था कि जो बहुत लोअर uh, कास्ट से बिलोंग करते थे उनको उस रास्ते से गुजरने नहीं दिया जाता था मंदिर यूज नहीं किया करने दिया जाता था पानी जो कुएं का पानी होता था वो यूज़ नहीं किया करने देते थे उनका अलग ही बना हुआ होता था तो इसको डिस्क्रिमिनेशन कैटेगरी में डालते हैं एक सोशल थ्योरी ऑफ सॉरी एक्सचेंज थ्योरी ऑफ एक्सचेंज थ्योरी है जो सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं उसमें एक्सचेंज थ्योरी में क्या बोला गया है एक्सचेंज थ्योरी रिवार्ड एंड कॉस्ट के ऊपर आधारित है बेसिक इसका कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको बताऊंगी एंड देन इसके ऊपर बताएंगे एक्सचेंज थ्योरी जो कॉस्ट एंड रिवॉर्ड है इसका मतलब ये है कि हम चाहे या ना चाहे हम अपने कोई भी रिलेशनशिप्स जो बनाते हैं वो हमारी कॉस्ट एंड रिवार्ड के ऊपर बेस्ड होती है यानी कि ऐसे रिलेशनशिप्स को हम कंटिन्यू करते हैं जिसमें हमें रिवार्ड ज़्यादा मिलता है और ऐसे रिलेशनशिप्स को हम ख़त्म कर देते हैं जिसका हमें जो हमें महंगा पड़ता है या जिसमें कॉस्ट ज़्यादा लगती है सो so, ये चाहकर या ना चाहकर दोनों तरीके से होता है और हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते दो कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया है फ़ेल करने की भी कोशिश की है इस थ्योरी को बट आई बिलीव हाँ ये बिल्कुल फिट है मेरे एक्सपीरियंसिस से ऐसा होता है सो नाओ लेटर स्टार्ट विद इसका इस डिस्क्रिमिनेशन uh, से क्या लेना देना है So, इन्होंने बताया है कि अगर दो अलग अलग ग्रुप है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इनका प्रॉफिट और लॉस से एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है इसके पहले ग्रुप का प्रॉफिट होने से दूसरे प्रॉफिट दूसरे ग्रुप को कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरे पहले ग्रुप का लॉस होने से भी दूसरे ग्रुप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता सेम विद द दूसरे ग्रुप दूसरा ग्रुप में भी अगर प्रॉफिट होता, तो होता है तो पहले वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और पहले वाले दूसरे वाले को अगर लॉस होता है तो पहले वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता पड़ना चाहिए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों में कोई इंटरलिंक लिंकिंग -link, नहीं होती ऐसे दो ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं इसमें तो कॉस्ट एंड रिवार्ड आउटकम्स में इन्होंने यही बोला है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर दो ग्रुप हैं और हर एक ग्रुप जो है वो अपना गेन बढ़ाना चाहता है एट कॉस्ट ऑफ अदर दूसरे के दूसरे को यूज करके अपना फ़ायदा करना चाहता है जबकि वो इंडिविजुअली भी रह सकते हैं लेकिन वो ये चाहता है कि दूसरे के दूसरे को नुकसान हो और अपने को फायदा हो इस तरह का वो अगर सोच रखते हैं तो हर एक ग्रुप जो होता है वो अपने आउटकम्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा ऑब्वियसली वो ये सोचेगा कि चलो मेरा मैंने अपना हक तो ले लिया आप दूसरे वाले का भी ले लो क्या फ़र्क पड़ना है जबकि दोनों अकेले अकेले रह सकते हैं लेकिन वो ऐसा करेंगे क्योंकि वो अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं ये जो दो ग्रुप हैं जब अगर इनमें पावर इक्वल नहीं होती मतलब एक ज़्यादा पहलवान है दूसरा कम कमज़ोर है सो तो क्या होगा तो जिसका जो ज़्यादा पावरफुल है वो अपने प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ाएगा जब तक कि एक गवर्नमेंट उस एक्सप्लॉयटेशन को रोकती नहीं है बड़े पावरफुल ग्रुप को रोकती नहीं है कि वो छोटे ग्रुप को एक्सप्लॉयट करे जबकि दोनों इंडिपेंडेंटली खुश रह सकते हैं लेकिन फिर भी वो बड़ा ग्रुप क्या करता है उसके ऊपर अपनी पावर को लगा के उसका हक भी छीनने लगता है तो तब जरूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट बीच में आए सो so, ये जो डिफरेंट आउटकम्स जो इनके आते हैं अपने प्रॉफिट की वजह से या प्रॉफिट जो इनके डिफरेंट होते हैं वो दोनों ग्रुप में डिफरेंसेस पैदा कर देगा ऑब्वियस सी बात है क्योंकि क्या हुआ है वहाँ पे जो इस बड़े ग्रुप ने अपनी पावर को यूज़ किया और उसके लिए प्रॉफिट ले लिया तो ऑब्वियसली ऊपर नीचे तो होगा ना क्योंकि दोनों को बराबर से प्रॉफिट नहीं मिला तो ये डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे दोनों ग्रुप में जो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं वो डिस्क्रिमिनेटेड फील करने लगते हैं उस ग्रुप के अगेंस्ट जो मेजोरिटी में है लेकिन कब ये डिपेंड करेगा कि दोनों में एक्सपेक्टेशन लेवल कितने है इसमें कंपैरिजन लेवल जो लिखा है आप इसको एक्सपेक्टेशन से um, समझ सकते हैं आप लिखेंगे एग्जाम में कंपैरिजन ही लेकिन आप इसको एक्सपेक्टेशन वर्ड से यूज़ करके समझेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि कंपैरिजन लेवल का क्या मतलब है इन्होंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये सेंटेंस तो इन्होंने ये बोला है कि जो मेजॉरिटी ग्रुप और माइनॉरिटी ग्रुप में रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं हम तो माइनॉरिटी ग्रुप डिस्क्रिमिनेटेड फील तब करता है जब कम एक्सपेक्टेशन लेवल और मेजॉरिटी ग्रुप के बीच में जो वो एक्सपेक्ट करता है रिलेशनशिप वो एक्जिस्ट नहीं करती है सो so, जैसे कि मायनॉरिटी ग्रुप है उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो सेम है एज दैट ऑफ द मेजॉरिटी ग्रुप तो वो वो डिससेटिस्फाइड और हॉस्टाइल फील करेगा अगर कंपैरिजन जो है वो सफिशेंटली लो है मतलब मायनॉटी ग्रुप को कम ही चीज़ें चाहिए मेजोरिटी ग्रुप के कंपैरिजन में उसकी एक्सपेक्टेशन कम है मेजोरिटी ग्रुप के कंपैरिजन में तो उसको इतना एडवर्स फीलिंग नहीं आएगी ठीक है ना तो लेकिन अगर दोनों ही ग्रुप सेम चीज़ चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि छोटे ग्रुप को अगर नहीं मिलेगा तो वो डिससेटिस्फाई फील करेगा वो इस तरह का फील करेगा कि भाई उसको उसका हक नहीं मिल रहा तो जब इक्वालिटी की बात आती है तो ये चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी नाउ uh, और अच्छा एक और चीज़ है कुछ फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं जैसे कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनका एक्सपेक्टेशन मेजॉरिटी ग्रुप के से किस लेवल पे डिपेंड करेगा वो किस चीज़ पे एक्सपेक्टेशन uh, रखेगा पास्ट एक्सपीरियंसेस पे देन uh, उनके अल्टरनेटिव रिलेशंस कैसे हैं देन कल्चरल फैक्टर क्या है स्ट्रक्चरल फैक्टर क्या है ये सारी चीज़ें डिसाइड करेगी कि वो कंपेरिजन लेवल किस तरीके का होगा मेजोरिटी ग्रुप के साथ नाउ uh, कि उनको पहले क्या मिला अब क्या मिल रहा है जैसे ये वेल के हिसाब से देखा जाए तो इंडियन सोसाइटी में था कि लोअर कास्ट के लोगों को जो मैंने बताया आपको कि नहीं यूज़ करने देते थे तो ये रिस्ट्रिक्शंस जो है वो उनमें डिफरेंसेस पैदा कर देगा उनकी कास्ट की वजह से तो इस एक्सपीरियंस को लेकर वो क्या मांगेगा वो ये मांगेगा कि मेजोरिटी ग्रुप को ये चीज़ें मिलती थी अब हमें वो चीज़ें चाहिए हैं हम भी हकदार हैं उस चीज़ के तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कभी कभी प्रिजडिस के बिना भी होता है विदाउट प्रिजडिस भी होता है जैसे कि सपोज एक प्रॉप्रेटर है वो सिर्फ़ मायोरिटी ग्रुप की पेट्रॉन मेंबर बनने के लिए तैयार नहीं होते नॉट बिकॉज uh, कि उनको कुछ उससे नफरत है उस ग्रुप से वो सिंपली इसीलिए क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके बिज़नेस पे नुकसान हो जाएगा तो ये इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन भी होता है नॉट डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन ये जो प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन होता है इसके क्या क्या कारण हैं क्यों होती हैं ये चीज़ें देखिए इसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रिजुडिस दोनों में कॉमन चीज़ें ही लिख के आनी है आपको पहला है स्टेटस एंड पावर स्ट्रक्चर की जो रिलेशनशिप है दो ग्रुप में वो स्टेटस और पावर पर भी डिपेंड करती है Uh, इसकी स्टेटस और पावर की वजह से भी प्रिजुडिस बढ़ जाता है तो uh, जैसे डोमिनेंट ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप को हमेशा एज अ सलेबरी की तरह ट्रीट uh, करता होगा तो जो स्लेव्स हैं उन, उनको हम क्या कंसीडर करते हैं हम कंसीडर करेंगे वो लेज़ी हैं इेस्पॉन्सिबल हैं इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं उनमें कमी है इनिशिएटिव लेने की तो ये स्लेव्स में हम मान लेते हैं लेकिन ये बिलीफ आया कैसे कि स्लेव्स ऐसा क्यों करते वो वाकई ऐसे ही हैं बाय बर्थ ही ऐसे हैं या कुछ ऐसा हुआ उनके साथ एक्चुअली जो स्लेव होता है वो ऑर्डर्स पे काम करता है जब मास्टर उसको ऑर्डर देता है कि ये करो वो करो ऐसा करो तो उसको सिर्फ फॉलो करना पड़ता है तो वो अपनी मर्जी से इनिशिएटिव कैसे ले पाएगा उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली कि वो खुद से इनिशिएटिव लेके कुछ करे तो इसीलिए जो बिलीफ है कि ये लोग हमेशा इस तरह के होते हैं ये उनकी एक्टिविटी से कॉन्सोनेंट हो जाती है मतलब एक के ऊपर एक लाइक कर जाता है एक सेम चीज़ होती है जैसा हम सोच रहे होते हैं वही हमें दिख रहा होता है तो जब ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट uh, करती हैं तो हमारा बिलीव क्या बन जाता है कि हाँ स्लेव्स जो होते हैं वो लेज़ी होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इनिशिएटिव नहीं ले सकते तो ये uh, ये चीज़ है स्टेटस एंड पावर स्ट्रक्चर की जो डिस्क्रिमिनेशन uh, को पैदा कर देता है या प्रिजुडिस को पैदा कर देता है नेक्स्ट है हिस्टोरिकल फैक्ट्स हिस्टोरिकल फैक्ट से भी ऐसा होता है हमारी जो हिस्ट्री uh, है इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट की या फिर पॉलिटिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोगों के बीच में देखें तो वो भी यही बताती है जैसे जो हिस्ट्री के इंसिडेंट्स हैं वो भी एटीट्यूड डेवलप करने में uh, हमें ऐसा सोचने में मजबूर करता है जैसे कि मान लीजिए विमेन के बारे में प्रिजुडिस अगेंस्ट विमेन अगर हम देखें तो इसमें हमें क्या पता चलता है औरतों को हमेशा से कमज़ोर डिपेंडेंट और टूल समझा गया है जो जो सिर्फ बात मान के काम करने वाले में से होती हैं सो so, ये कैसे ऐ, ऐसी एट्रोसिटीज़ कैसे पैदा हुई कैसे विमेन के अंदर ये चीज़ आई क्योंकि हमने हमेशा ही यही उनको सिखाया है उनकी थिंकिंग ऐसी बनाई है कि वो टॉलरेट करने के लिए ही पैदा हुई हैं ये उनकी ड्यूटी है टॉलरेट करना उनको कोई कुछ बोल दे उनको कोई यूज़ कर ले तो ये उनकी ड्यूटी है ऐसा करना इसी वजह से प्रिजुडियस ये आ गया कि ये लोग कमज़ोर हैं इसीलिए ट्रक ड्राइव नहीं करती कर सकती अगर ट्रक ड्राइवर कोई विमेन हमने देख ली तो हम बड़ा करते हैं अरे ये इसके बस की नहीं है इसको मत दो इस तरह का भी होता है सेम हिस्ट्री में एक और एग्जांपल है ज्यूज़ का कि ज्यूज़ जो थे बड़े रिच होते थे रिच ग्रास्पिंग और श्रेउ माने गए हैं क्यों क्योंकि उनका जो ऑक्यूपेशन था वो मनी लैंडिंग का था वो पैसे उधारी पे देते थे जो चर्च था चर्च ने क्रिश्चियंस को पैसे देकर इंटरेस्ट लेने को रोक के रखा था प्रोहिबिट करके रखा था कि क्रिश्चियंस ऐसा काम नहीं करेंगे पैसे दे के उस पर इंटरेस्ट लगाने का बट उनको ये परमिशन थी कि वो ज्यूज से पैसे उधारी पे ले सकते हैं सो so, जो ज्यूज़ है वो बैंकर्स बन गए क्योंकि उनके पास पैसा आता गया ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई क्योंकि क्रिश्चियंस को तो था ही नहीं करने का हक अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी तो इसीलिए जो ज्यूज हैं उनका ऑक्यूपेशन ही बन गया एज अ बैंकर तो वो बहुत प्रॉफिटेबल हो गए उनकी जो इमेज थी कम्यूनिटिव इमेज जो थी वो इसी तरह की बन गई जो लोगों के दिमाग में आ गया कि मनी माइंडेड होते हैं श्रीड होते हैं लाइक दैट सो नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ा ज्यूज़ के ऊपर नेक्स्ट फैक्टर है सिचुएशनल फैक्टर कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से ऐसे बनता है सिचुएशन फैक्टर्स में कुछ सब कैटेगरीज हैं जैसे कि सोशल लर्निंग हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें उनका एटीट्यूड वैल्यूज़ बिलीव्स और उसको एक्वायर कर लेते हैं स्कूल से सीखते हैं रिलीजन से सीखते हैं अपने मंदिरों चर्च इन सब जगहों से सीखते हैं तो यही प्रिजुडिस जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है बच्चों में सेकेंड सिचुएशनल फैक्टर है जॉब कंपटीशन जॉब में भी ऐसे ही होता है जब जॉब की कमी होती है और एप्लीके बहुत सारे होते हैं तो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो डेवलप कर देता है प्रिजुडिस uh, और एक uh, इसने सन्स ऑफ सॉइल थ्योरी को जन्म दे दिया इस चीज़ ने कैसे सन्स ऑफ सॉइल थ्योरी का मतलब होता है जो इस ज़मीन में पैदा हुए हैं वही वहाँ काम कर सकते हैं ये एक मराठी मूवमेंट चला था नॉर्थ इंडियंस के अगेंस्ट जहाँ पे नॉर्थ इंडियंस क्या थे गरीब होने की वजह से वो इधर उधर मूव कर जाते थे और वहाँ इधर उधर मूव करने के अला इंक्लूडिंग महाराष्ट्र महाराष्ट्र में भी मुंबई में भी मूव कर गए तो नॉर्थ इंडियन जो थे कम पैसों में ज़्यादा घंटों तक काम करते थे तो उनके वेजेस चीप होने की वजह से उन्हीं को हायर करने लगे लोग मराठी लोगों को इतना काम नहीं मिलने मिलता था इस वजह से तो इसीलिए उनके वहाँ के जो थे उनको ये लगने लगा कि नॉर्थ इंडियंस ने आके हमारा जॉब छीन लिया हमारा हक छीन लिया तो ये नॉर्थ इंडियंस के अगेंस्ट ये चलने लगा मूवमेंट कि उनको भगाओ यहाँ से जैसे भी होता है सो so, उनको उनके वापस उनकी जमीन पर भेजो तो so, गवर्नमेंट को एक रूल भी लाना पड़ा कि मराठी आना बहुत जरूरी है कंपलसरी कर दिया नहीं तो और कुछ वो लॉ बना नहीं सकते थे वो डिस्क्रिमिनेशन में आ जाता सो so, इस तरह का आ, प्रिजिडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन नॉर्थ इंडियन के साथ देखा गया नाउ अनदर सोशल सिचुएशन इज कन्फर्मिटी टू नॉर्म्स। प्रिजडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन तभी भी होता है जब जो आउट ग्रुप होता है uh, ये बहुत किसी भी आउट ग्रुप के अगेंस्ट होता है जब ये वेल well स्टैब्लिश होते हैं और इनका कगनीशन फीलिंग जो होती है आउट ग्रुप के अगेंस्ट नॉर्मेटिव क्वालिटी की वजह से एक्वायर होती है यानी कि uh, जो इन ग्रुप है इन ग्रुप मतलब उस वहीं पर रहने वाला जो ग्रुप है आउट ग्रुप मतलब जो बाहर से आया है सो so, जो इन ग्रुप है उसके जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे मेंबर्स में एक ही तरह का एटीट्यूड रहेगा क्यों क्योंकि उस ग्रुप के लोग कन्फर्मिटी की वजह से मतलब वो ये चाहते हैं कि हमें उस ग्रुप में एक्सेप्ट किया जाए तो जो इन ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं वो ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसे ही एटीट्यूड को फॉलो करेंगे जो उस ग्रुप में चल रहा है सो so दैट उनको उस ग्रुप में एक्सेप्ट कर लिया जाए सो प्रीज एंड डिस्क्रिमिनेशन जो भी किसी ग्रुप के अगेंस्ट हो रहा है uh, ये नॉर्म बन जाता है और ये ओवर एक्सप्रेस किया जाता है ऑल बिकॉज दैट पर्सन वॉन्ट्स कि उसको अप्रूवल मिल जाए उस ग्रुप का नेक्स्ट है इंटरेक्शन पैटर्न्स इंटरेक्शन पैटर्न्स जिस तरह का हम देखते हैं कुछ इंटरेक्शन पैटर्न्स uh, ऐसे होते हैं जो कोहेशन को इंक्रीज़ करते हैं जो ग्रुप के मेंबर्स की पावर को स्ट्रेंथन करते हैं और uh, उसके नॉर्म्स जो होते हैं उसको कन्फर्म करते हैं कोई भी जो फैक्टर है जो मेंबर्स को ज़्यादा डिपेंडेंट बना जाता है उस ग्रुप के ऊपर उस वो कोहेशन को इंक्रीज़ करता है कोहेशन मतलब अट्रैक्शन लगाव तो अगर एक मेंबर के एक ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में अगर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है ज़्यादा लगाव है तो वो उनमें आ, और ज़्यादा वो ग्रुप स्ट्रांग हो जाता है तो जो इंटरेक्शन पैटर्न है किसी ग्रुप के अंदर एक और चीज़ इंक्रीज़ कर देता है वो है इकोनॉमिक डिपेंडेंस सारे मेंबर्स एक दूसरे पे इकोनॉमिकली भी डिपेंडेंट हो जाते हैं सो so, अगर इंटरेक्शन एक ग्रुप के अंदर ज़्यादा बढ़ जाता है ग्रुप uh, लाइंस के अकॉर्डिंगली तो उनका जो पैटर्न ऑफ थिंकिंग फीलिंग और बिहेविंग है वो भी यूनिक हो जाती है और वो और ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग बना देता है उस रिलेशन को तो uh, ये दो ग्रुप में कल्चरल गल्फ पैदा कर देता है मतलब कि दो ग्रुप्स को सेपरेट कर देता है क्योंकि एक ग्रुप के अंदर बहुत ज़्यादा कोहेशन है दूसरे ग्रुप में भी आपस में बहुत कोहेशन है तो ऑब्वियसली वो एक अपने ही ग्रुप्स के अंदर चलने वाले नॉर्म्स को फॉलो करेंगे तो इन दोनों के दो ग्रुप्स में क्योंकि अपने अपने नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं तो बीच में के जो गैप आएगा वो वो दोनों ग्रुप्स को सेपरेट कर देगा ये तो थे सोशल फैक्टर्स जिसमें इंटरेक्शन पैटर्न्स आया कन्फर्मेटी टू नॉम्स आया जॉब कंपटीशन आया सोशल लर्निंग आया ये था सिचुएशनल फैक्टर्स इसके अंदर ये चार चीज़ें थी नाउ अब हम कर रहे हैं साइकोडायनामिक फैक्टर्स साइकोडायनामिक फैक्टर्स में क्या क्या आ रहा है पहला है फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन ये जो ये इस, इस थ्योरी पर बेस्ड है डिसप्लेसड एग्रेशन थ्योरी पे सो so, इसका मतलब ये है कि सपोज़ Uh, एक इंडिविजुअल है जो अपना गोल जब अचीव करना चाह रहा है तो उसके गोल अचीव करने में बहुत सारे अड़ंगे आ रहे हैं और वो अड़ंगे जो हैं उसकी वजह से उसको एग्रेशन हो रहा है गुस्सा आ रहा है और लेकिन वो अपने आप को इतना स्ट्रांग फ़ील नहीं करता कि वो जिस ऑबस्टैकल से लड़ सके क्योंकि वो जो ऑब्स्टैकल है वो बहुत स्ट्रांग है उससे स्ट्रांगर है उससे ज़्यादा पावरफुल है तो जो उसकी फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन है वो क्या करेगा वो वीकर ऑब्जेक्ट पे निकालेगा सो वीकर ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है कोई पर्सन हो सकता है कोई ग्रुप हो सकता है नेक्स्ट uh, है अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी का मतलब होता है जो पर्सनैलिटीज़ uh, अथॉरिटेरियन uh, जो लोग जिन uh, जो अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी होती है वो एक रिजिड थिंकिंग शो करती हैं और इनकी जो टेंडेंसीज होती है वो uh, प्रिजिस को पैदा कर देती है ये लोग जो होते हैं ये आ, लोगों को उनकी पावर के स्केल पे आ, वैल्यू देते हैं ये वो लोग हैं जैसे कि जिनमें ज़्यादा पावर है जो उस पावर स्केल में ज़्यादा जा, अच्छी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं वो उसको हमेशा लेवल पे अबव रखेगा मतलब उसकी जितनी पावर है उससे ज़्यादा पावर वाले जो लोग होंगे वो उस उस पावर स्केल पे हाई पॉइंट देगा और जो उसकी पावर है उससे लो वाली पावर के जो लोग होंगे उसको पावर स्केल पे वो इन्फीरियर समझेगा और वो ये सोचेगा कि जो उससे कम पावर वाले लोग हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन डिजॉल्व uh, करते हैं वो लोग उनको वो हेट भी कर सकता है एक्सप्लॉइट भी कर सकता है तो इसको बोलते हैं अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी ये भी मूवीज़ में बॉलीवुड मूवीज़ में बहुत दिखाया जाता है नेक्स्ट है पर्सनैलिटी नीड्स पर्सनैलिटी नीड का मतलब होता है uh, <coughs> कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एम्बिगिटी को टॉलरेट नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इन फॉर एम्बिग्यूटी एम्बीगटी मतलब कंफ्यूजिंग सिचुएशन तो जो कई लोग ऐसे होते हैं जो ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें पसंद करते हैं और जहाँ पे अनसर्टेनिटी या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है वो आ, उस उस वो उनको बहुत कंफ्यूजिंग लगती है और अनसर्टेन लगती है वो सिचुएशन जो जो लोग एम्बिगिटी से परेशान हो जाते हैं वो प्रिजडिस को बढ़ावा देते हैं वो ज़्यादा प्रिजडिस्ट हो जाते हैं कैसे Uh, अपनी अनसर्टेनिटी या एम्बिगटी को वो जो उस सिचुएशन में है उसको क्लैरिफाई करने के लिए वो ऐसा करने लगते हैं जैसे सुपीरियर स्टेटस अगर किसी को चाहिए है अगर उसकी नीड है कि सुपीरियर स्टेटस चाहिए है और वो प्रिजुडिस से ही आएगा तो वो ऐसा करेगा क्योंकि उसको मालूम है उसको क्या चाहिए सुपीरियर स्टेटस चाहिए और अगर सुपीरियर स्टेटस फील करने के लिए अपने ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं और उसके जो ग्रुप में है उस सिचुएशन अपने स्टेटस से कम मांगता है उस उन उस ग्रुप के लोगों को तो वो अपन वो क्या करेगा वो भेदभाव करेगा वो सबसे अलग अलग रहेगा एक ग्रुप में जितने लोग हैं उनमें से अगर वो अपने आप को सुपीरियर मानेगा तो वो ऐसे ऐसे काम करेगा और प्री भी शो करेगा क्योंकि वो अपने आप को सिक्योर फील करना चाहता है और वो ये चाहता है कि वो दूसरे ग्रुप में शामिल हो जाए जो उसके टाइप के तो फ्रेंड्स ये तो था कि क्या क्या कारण हो सकते हैं प्री एंड डिस्क्रिमिनेशन के आ, मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रीजुडिस में प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ अब मेथड ऑफ रिड्यूसिंग प्रिजुडिस हम कैसे कम कर सकते हैं प्रिजुडिस और ये आज हम करेंगे एंड इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है आप देखें पिंक इसमें हाईलाइट है तो ये भी इम्पोर्टेंट है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग प्रिजुडिस फर्स्ट है इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट अगर जो दो ग्रुप है जिनके बीच में ये प्रिजुडिस आप देख रहे हैं लोगों के बीच में एक होता है प्रिजुडिस्ड ग्रुप और एक होता है टारगेट पर्सन है ना जिस पर्सन पे आ, हो रहा है जिस पे, जिस पे प्रिजुडिस हो रहा है और प्रिजुडिस्ड पर्सन इनको क्या करेंगे ये जो दो ग्रुप हैं इनको ऐसी सिचुएशन में डाल देंगे इन दोनों पार्टीज को आ, कि वो एक दूसरे को पास से जाने और एक दूसरे के जो भी एक दूसरे से बातचीत करें एक दूसरे को समझने की कोशिश कोशिश करें सो दैट मिसअंडरस्टैंडिंग रिड्यूस हो सके मिसकनसैप्शन रिड्यूस हो सके जो इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट होता है ये कुछ कंडीशन में ही इफ़ेक्टिव होता है इंटर का मतलब दो के बीच में दो ग्रुप के बीच में तो ये दो ग्रुप के बीच में अंडरस्टैंडिंग तभी पैदा हो सकती है जब हम दो कंडीशन को फुलफिल करें वो कौन कौन सी है पहली है Uh, जब दोनों जो पार्टीज हैं वो इक्वल स्टेटस रखती हैं तब ऐसा हो सकता है दूसरा जो प्रिडजिस्ट प्रिजडिस्ड पर्सन है और जो टारगेट पर्सन है वो इमिटेट uh, हो एक दूसरे से और इमिटेशन uh, इंटीमेशन हो सॉरी तो uh, इंटीमेट होने का मतलब होता है बहुत नज़दीक रहें और सुपरफिशियल रिलेशनशिप ना रखें एक दूसरे से ऑनेस्ट कांटेक्ट रखें तभी ये मोटिवेट होती हैं कि एक दूसरे के मेंबर्स की लाइफ को जान सकें और स्टीरियोटाइप्स ना पैदा करें एक दूसरे के बीच में तब ये हो सकती हैं नेक्स्ट है इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट और कैसे सक्सेसफुल हो सकता है ये तब सक्सेसफुल हो सकता है जो दो जब ये दोनों साथ में रहे और इनको मालूम है कि इनकी जो सक्सेस है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है इन लोगों का दोनों का एक कॉमन गोल है और ये तभी अचीव हो सकता है जब दूसरी पार्टी इनको कोऑपरेट करे तो ऐसी सिचुएशन में जब इन्हें मालूम है कि इसको अगर नहीं समझेंगे तो हमारा फायदा नहीं होने वाला हम गोल तक अचीव नहीं कर पाएंगे तभी ये एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो मतलब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाली बात तो ये वाले फैक्टर हमें याद रखना है कि इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट में हमें क्या क्या ध्यान रखना है दोनों सेम स्टेटस के होना दोनों के प्रॉफिट सेम हो तो ये समझेंगे या फिर दोनों को एक साथ रखना और सुपरफिशियल कॉन्टैक्ट नहीं इंटीमेट कॉन्टैक्ट होना देन नेक्स्ट है एजुकेशन uh, एजुकेशन से भी हम इनके डाउट्स uh, क्लियर कर सकते हैं जो प्रिजुडेशन इसके ऊपर होते हैं जैसे कि अगर हम अप्रोप्रिएट एजुकेशन दें इनको और प्रिजिडस uh, रिड्यूस करने की कोशिश करें रेशियल uh, प्रिजडिस uh, कम करने की कोशिश करें इनफॉर्मल एंड फॉर्मल एजुकेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है इनफॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो पेरेंट्स इन्हें देते हैं जो पेरेंट्स इनको ऐसी इनके बच्चों के सामने कभी कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जो प्रिजडिस को बढ़ावा देती है फॉर्मल एजुकेशन का मतलब है जो इनका सिलेबस है इन इसमें हम ऐसी चीज़ें डालें करिकुलम में ऐसी चीज़ें डालें जो हारमोनी uh, को प्रमोट करती है uh, दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बीच में और हेल्दी माइंड्स को डेवलप uh, करने में हेल्प करती है जितना ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन होगी उतना ही ये प्रिजडिस डिस्क्रिमिनेशन ये सब कम होएगा कल्चरल एसिमिलेटर भी एक और फैक्टर है जो हेल्प करता है इसमें यानी कि जो प्रिजडिस पर्सन है प्रिजडस पर्सनस जो हैं जिनका ग्रुप है वो अपने ट्रेडिशंस नॉर्म्स बिलीव्स और वैल्यू सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं दूसरी कम्युनिटी के लोगों को दूसरी रेसिस को सो so दैट वो आ, ये रिसेंट इन्फॉर्मेशन जो भी है उनके कल्चर के वाले में बारे में वो दे सके एंटी प्रिजुडिस प्रोपेगेंडा जो है वो भी आ, हम चला सकते हैं यानी कि मास मीडिया के थ्रू फिल्म्स डायरेक्ट, डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू हमारा एम होना चाहिए कि हम ये प्रिजुडिस को रिड्यूस करें और आ, 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 सिक्सटी परसेंट और ये माना गया है कि सिक्सटी परसेंट तक ये चीज़ें रिड्यूस हो जाती है जब हम फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज में ये चीज़ें पढ़ाते हैं दुनिया को इनकनग्रुवेंट रोल जब वो पर्सन जो प्रिजोडिस uh, करता है उसको ऐसे रोल दिए जाएं प्ले करने के लिए जिसके साथ वो प्रजड्यूस करता है उस टाइप के रोल मतलब कोई हाई कास्ट का है उसको लो कास्ट वाला रोल दे दिया जाए ड्रामा में सो so, वो जब उस कल्चर को सीखेगा और समझेगा तो उसको वो फील आएगी और वो समझ पाएगा कि जो बिहेवियर और एटीट्यूड है उनमें बैलेंस कैसे करना है और अगर जैसे कि अगर कोई एग्ज़ाम जैसे मैंने अभी बताया कि कम्युनिटी में जो होता है तो वो उस कम्युनिटी के वेलफेयर के बारे में सोचना शुरू कर देगा और उसके पास कोई और ऑप्शन बचेगा ही नहीं क्योंकि जब वो समझ रहा है कि ऐसा उसके कल्चर में हो रहा है तो वो क्या करेगा वो ऐसी चीज़ें समझने की कोशिश करेगा सोशल uh, लेजिस्लेचर ये गवर्नमेंट ला सकती है गवर्नमेंट रूल बना सकती है ऐसे लॉज बना सकती है कि अगर हमने किसी के साथ प्रिजोड्यूस किया तो वो अनलॉफुल माना जाएगा और पनिशेबल होगा जो ऑलरेडी गवर्नमेंट बना चुकी है इसके ऊपर एक मूवी भी आ चुकी है Uh, आयुष्मान खुराना की वो आप देख सकते हैं एग्ज़ाम्पल uh, इसमें है जैसे ये मैंने बता ही दिया कास्ट के ऊपर हरिजन लोग जिस पहले टच नहीं करने देंगे अगर उनके साथ अब आप उसके कास्ट को लेकर कुछ बोलेंगे तो जेल हो जाएगी पनिशेबल है ये ऑफेंस और uh, इसमें uh, जो गवर्नमेंट है ये इनक्रेज करती है कि अब लोग क्या होते हैं इंटर कास्ट मैरिज को इनक्रेज करती है लोग आपस में मिलते हैं अलग अलग कास्ट के लोग मंदिर भी यूज़ कर सकते हैं पर्सनैलिटी चेंज टेक्निक पर्सनालिटी चेंज टेक्निक में क्या करते हैं हम जो इंसान इस तरह ओपन माइंड रखे अपनी पर्सनालिटी को बैलेंस करने की कोशिश करें और अगर उसको लगता है कि वो प्रिजरिस करता है तो वो थेरापटिक uh, ट्रीटमेंट को uh, के लिए जाए और लर्न uh, करे कि उसको लाइक like, कभी कभी क्या होता है हम नहीं करना चाहते लेकिन हमारा हम एक्ट कर ही देते हैं तो उसको कैसे कंट्रोल करना है तो साइकोथेरापिस्ट इसमें हेल्प कर सकते हैं प्ले थेरेपी से हम इसको हटा सकते हैं इस डिफेक्ट uh, को तो फ्रेंड्स दिस वॉज ऑल अबाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडिस जो यूनिट थ्री थी यूनिट थ्री आज मैंने आपकी फ़िनिश कर दी यानी कि यूनिट इलेवन आज का प्रेजेंट पब्लिकेशन uh, के हिसाब से सो आई होप मेरे वीडियोज़ आपको यूजफुल लगते हैं अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब लाइक like, और शेयर करना ना भूलें और एड्स ना स्किप करें तो बहुत अच्छा होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बाय